गाइस, क्या आपको सिंपल पे का क्रेडिट लिमिट मिला है? जो सिंपल पे का क्रेडिट लिमिट है उसको आप अपना बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अब अगर बात करें कि कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों इसके लिए बेसिकली दो तरीका है। पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको सिंपल पे एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा, बट कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को मिलता है, आप भी उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। क्या प्रोसेस है एंड कैसे आप इसके लिए एलिजिबिलिटी अर्न कर सकते हो, यानी कैसे आप इस तरीके के लिए एलिजिबल हो सकते हो, सारे इंफॉर्मेशन दूंगा। सेकेंड ट्रिक उनके लिए होगा जिनको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है एंड जिनको इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों, दोनों तरीका 100% इफेक्टिव है एंड इसमें जीरो कॉस्ट लगता है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहला ट्रिक क्या होगा दोस्तों, सिंपल पे एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप आते हो, यहां पे आपको एक बिल बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा। बट वेट, यहां पे हो सकता है आपको अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप नया हो, अगर आप सिंपल पे का एप्लीकेशन पे अभी अभी आपको लिमिट मिला है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सिंपल पे के अंदर आना है। आपको यहां से कुछ भी आपका जरूरत का सामान कोई भी वेबसाइट से जो कि इसके साथ लिस्टेड है बाय कीजिए एंड उसके बाद उस अमाउंट को रीपेमेंट कर दीजिए। चाहे वो इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हो, चाहे वो बिल जनरेट होने के बाद कर सकते हो। ऐसे 2 से 3 बार कोई भी घर का जरूरत के भी सामान हो वो मंगा सकते हो एंड उसका रीपेमेंट आप कीजिए। 2 से 3 बार ऐसे करने के बाद दोस्तों, यहां पे आपका बिल बॉक्स वाला जो ऑप्शन है ओपन हो जाता है। बिल बॉक्स का ऑप्शन में गाइस आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली मोबाइल फोन रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और भी बहुत सारे अलग अलग रिचार्जेस का ऑप्शन मिलता है। साथ साथ में दोस्तों, यहाँ पे फास्ट टैग रिचार्ज का ऑप्शन होता है जो कि पेटीएम फास्ट टैग के लिए ही अवेलेबल होता है। तो हो सकता है इनिशियल टाइम में बिल बॉक्स ओपन होने के बाद आपके पास फास्टैग वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इस केस में क्या करना है, आपको बिल बॉक्स वाला ऑप्शन में आना है, आपको कोई भी 1-2 मोबाइल नंबर को 1 या 2 बार रिचार्ज करना है एंड इसका रीपेमेंट करा देना है। तो उसके बाद आपके पास फास्टैग वाला ऑप्शन आ जाएगा एंड इसके बाद आप अपना कोई भी पेटीएम फास्टैग का नंबर रिचार्ज कर सकते हो। तो क्या होगा, सिंपल पे का जो बैलेंस है वो आपका पेटीएम वॉलेट में चला जाएगा, जिससे कि आप फास्टैग का रिचार्ज के नाम पे आप अपना सिंपल पे का बैलेंस अपना पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे। अब अगर बात करूं कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, यानी एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, अगर आपके पास ये फास्टैग ऑप्शन वाला नहीं है या तो आपके पास बिल बॉक्स का ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डूंजो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड इस एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन होगा आपके पास कि बुक ऑर्डर फ्रॉम एनी स्टोर इन द सिटी करके, इस ऑप्शन में जा सकते हो एंड एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उस ऑर्डर पे बिहाव पे आप कैश निकाल सकते हो। दोस्तों, डूंजो एप्लीकेशन में जाकर आपको किस तरह से अपना बैंक अकाउंट में पैसा निकालना है, इसका रिलेटेड एक सेपरेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है जिसमें डिटेल में एक एक चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आप बहुत ही इजीली सिंपल पे अकाउंट से बैंक में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा रखता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।